सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस में हर दिन हो रहे हैं नए खुलासे। अब तो जैकलीन फर्नांडिस को भी ईडी ने अपने ऑफिस का रास्ता रटवा ही दिया है। आपको बता दूं कि बुधवार की पूछताछ के बाद एक बार फिर ईडी ने जैकलीन को बुलाया और उनसे कुछ दिन और दिल्ली में ठहरने को कहा। अब बेचारी करे भी तो करे क्या, जैकलीन को कहां पता था कि इतने महंगे गिफ्ट्स लेना उनको इतना महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो बोया है वो तो फिर काटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ईडी है भैया, ऐसे नहीं छोड़ने वाली। तो हाल ही में हुई पूछताछ में ये तक सामने आया है कि जैकलीन फॉर्मन सुकेश के साथ शादी करना चाहती थी। जी हाँ, शादी क्यों, लग गया ना झटका यार। शादीशुदा आदमी के साथ शादी के सपने देख रही थी आपकी लकी चार्म जैकलीन, लेकिन उनका सपना तो सपना ही रह गया। और दुख की बात है कि अब वे सुकेश से शादी नहीं कर पाएगी। जानकारी के मुताबिक उनके को स्टार सलमान और अक्षय कुमार ने उन्हें सुकेश से दूर रहने के लिए पहले ही मना कर दिया था, लेकिन मैडम ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन महंगे गिफ्ट के चलते अक्षय की स्माइल और सलमान की बॉडी काम नहीं आई। खैर, देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जैकलीन आगे जाकर किससे शादी करेगी। तो चलिए, मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए बने रहिए सरल भारत पर। धन्यवाद।